सलामासी के गुण आ रहे। वेलकम बैक टू अंजना ठाकुर ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। अभी देखा जब से ब्लॉग अभी तक ना ये सोया था, जब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ ना ये आ जाता है डिस्टर्ब करने। इसको भी एक्चुअली ना गाइस ये भी कनेक्ट हो गया आप लोगों से, इसको भी आप लोगों को विश करनी होती है। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ। आई नो मैंने बीच में एक दो दिन ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि बर्थडे के बाद इतने टायर्ड हो गए थे, सब इतना बिखरा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि आराम से आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगी। तो आज का ब्लॉग ना मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो मैं जो चीज़ भी मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करती हूँ ना वो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आजकल ना मैंने एक नई चीज़ सीखी है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। वो पॉजिटिवनेस ना मतलब वो मैंने आप लोगों से ही सीखी है गाइस। सीरियसली जब पहले मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे ना तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सैड हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मतलब जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते थे मैं खुद नेगेटिव हो जाती थी और वो सच में मान लेती थी कि लोग इतना नेगेटिव कैसे सोचते हैं, मैं बहुत सैड हो जाती थी। तो नाउ मैं इतना मुझे मतलब अब कोई मुझे नेगेटिव कमेंट्स करता ना मैं उसमें भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ देती हूँ कि यार नहीं, जो लोग किसी को अच्छा नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं सोच सकते, वो क्या ही अच्छा इंसान होगा। तो अब ना मतलब बहुत पॉजिटिव हो गई। तो मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी आपको कुछ भी बोल देता है ना जो आपको बुरी लगती है चीज़, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी क्लोज वन हो सकता है या दूर के स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का तो जिनको आप नहीं जानते हो, जिनसे आपको नहीं मतलब है, वो आपको कुछ भी बोले वो तो आपको मैटर करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई आपको अपना बोल भी देता है ना तो इसके लिए एक सिंपल फंडा है गाइस। वो सिंपल फंडा क्या है गाइस कि कोई भी कुछ बोले ना बस इतना सोच लो कि आपको अपने बारे में पता है कि आप कैसे हो। आप जब किसी का बुरा नहीं सोच सकते हो, बुरा नहीं बोल सकते हो किसी के लिए, तो अगर सामने वाला आपको कोई कमेंट ऐसा कर भी देता है या कुछ ऐसा बोल भी सक देता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको एक पॉजिटिव वे में लो। उसको कैसे पॉजिटिव वे में लेना ये मतलब खुद से बेटर कोई नहीं समझता है। तो एक बार बस ये सोचना कि मुझे जो इसने बोला है मैं उसको पॉजिटिव में कैसे लूँ, तो बस सब सिंपल हो जाएगा। और मैं ये बोलूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। और उससे भी बड़ी बात मैं ये बोलूँगी, अगर कोई चंडीगढ़ में है तो चंडीगढ़ में सब अपने चीज़ों का विशेष ध्यान रखेगा गाइस, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही है। अभी हमारा कार वाला सीन हुआ था, अभी मेरे एक नेबर मुझे मिली थी तो उन्होंने मुझे बताया कि चंडीगढ़ में उनके गले से उनका मंगलसूत्र ले लिया गया, मतलब चलते चलते वो भी कहीं बाहर घूमने जाते हो तो प्लीज़ अपनी मतलब वैल्यूबल चीज़ें, सोना, ये गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, कुछ भी हो गया, वो मत पहने। पहने तो ऐसे अंदर छुपा के रखे, या फिर आप आर्टिफिशियल वेयर कर सकते हो, उसका एटलीस्ट डर नहीं रहता है। तो बी अवेयर रहे सब, क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ आजकल, तो आप लोग भी फॉलो करें। मुझे बस ये बोलना था, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो कि और हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। है करेले, और आज ध्रुव ने बोला कि इसको करेले खाने का बहुत मन है। आज करेले खाने का मन तो है, बट आज से पहले मैंने कभी करेले नहीं बनाए हैं। तो मैंने सोचा कि जब बना ही रही हूँ तो ब्लॉग भी बना देती हूँ। तो मम्मी ने मेरे को बताया कि ऐसे 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 करना है। तो मैंने ना मुझे जो इजी मेथड लगा कि जो मैं कर सकती हूँ वो ये है कि काटने वाला मुझे इजी लगा। तो अब ना गाइस मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। आई नो जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी कुकिंग करते हैं, बट मैं बिगिनर हूँ तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगी, बट आई होप लोग मुझे समझ लेते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि अच्छा बने और मैं रिव्यू भी लूँगी ऑब्वियसली ध्रुव और पापा से। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे बनेंगे, बट मैं ये भी बना रही हूँ, उसके साथ मैं कुछ और भी बनाऊँगी। मुझे आई एम नॉट श्योर कि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, बट मैं बना रही हूँ। तो तरफ पहले इसके जो अंदर का चने होते हैं उसको निकालना है, तो ये मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया है। तो उसमें मुझे नमक डालना है ताकि कड़वे ना लगे, हाँ तो कड़वे करेंगे बट कड़वे उतने नहीं लगने चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, जब मेरी चॉपिंग शुरू हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। मैंने ये काट दी है पूरे, और इसके जो अंदर के चने होते हैं वो मैंने निकाल दिए ताकि ये कड़वा ना हो। और अब ना मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि ये कड़वे ना बने, थोड़ा थोड़ा सा। और अभी मैं इसको थोड़ा सा तलूंगी, तलने के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए और पकाने के लिए थोड़ा कम। ये पूरे जब तल जाएंगे मैं तब इसको फ्राई करूंगी।
गाइस जब तक ना ये होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, जब तक ना ये थोड़े येलो येलो इश हो जाएगा ना पूरे, लगेगा मुझे कि हो गया है तल के, तब तक मैंने सोचा मैं एक लिस्ट बना दूँ, क्योंकि मैक्सिमम सामान खत्म है, लिस्ट बनाऊंगी ताकि जब खुश होगा कि आज मैंने लिस्ट बनाई है सामान की। तो इसको तलने के बाद फिर मुझे इसमें इसको फ्राई करना है, फ्राई करने के बाद फिर देखते हैं कैसे बन के आते हैं। वैसे मुझे लगता है अच्छी बनेगी, कड़वे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और टेस्टी होनी चाहिए, और आई होप ध्रुव को अच्छे लगे, पापा को अच्छे लगे, और उसके बाद मैं कुछ और भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर ये कड़वे बन गए तो यही तो नहीं होगी, इसके साथ में और आलू न्यूट्री और चावल चपाती वो तो बनेगी बनेगी, बट ये बन जाए बस अच्छे से बन जाए। माँ आजकल हमारे गांव में जातर चली हुई है देवता जी की, तो मामा उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है, यहाँ पे ध्रुव की जॉब की वजह से और इतना बिजी है सब कुछ, मैं नहीं जा पा रही हूँ, मेरा मन तो बहुत था जाने का बट नहीं जा पा रही हूँ, बट हमारे अभी गाँव में बढ़ातर आएगी तो मैं बढ़ातर मैं ज़रूर जाऊँगी, और मतलब एक बार ना शादी के बाद ना मतलब ट्राई करते रह जाते हो कि घर जाना है घर जाना है घर जाना है घर जाना है, पर जा नहीं पाते हो क्योंकि सब कुछ इतना बिजी होता है और आपके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो नहीं हो पाता है। ये चेंजेस शादी के बाद आई थिंक हर एक लड़की की लाइफ में आते हैं, तभी हम विदाई में इतने इमोशनल होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अब घर आना मतलब उतना नहीं रह पाएगा जब आप सिंगल होते हो, कि कभी भी मन किया यार चलो घर चलते हैं, बट अब बहुत कुछ सोचना पड़ता है घर जाने से पहले, तो अभी मैं ज़्यादा बोलूँगी तो रोना आ जाएगा। अब बस मैं इसको फ्राई करूँगी, इसको बस पकने दूँगी, तो बस लेट्स सी। उससे पहले ना मैंने जो ये कॉपी और पेन ये जो लाया है ना, मुझे इसकी लिस्ट बनानी, माइंड में तो रहता ना बट जब मतलब लेने की बारी आती है तो सब भूल जाता है, तो अब मैंने डिसाइडेड कि मैं लिस्ट बना देती हूँ जो मेन मेन है, ताकि मैं ध्रुव को दूँ और मंगवा ले, ब्लिंकिट से मंगवा ले भी तो ऑनलाइन नहीं आएगा, तो मैं फटाफट लिस्ट बना लेती हूँ, और लिस्ट बनाने के बाद फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। तब तक ना गाइस मुझे ना इसको बनाने में आधा घंटा तो लगेगा, और आधा घंटा और लग जाएगा एक घंटा, फिर मुझे और भी खाना बनाना और ध्रुव आने वाला ही होगा और उसको भूख भी लगी होगी, तो मुझे अब थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। सेवी आ जा बेबी, कहाँ हुआ बेबी को, खाना क्यों नहीं खाया आज, क्यों नहीं खाया खाना, क्यों नहीं खाया खाना, क्यों नहीं खाया खाना, और दिन जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ ना तो सेवी किचन में बैठा था, आज कड़वे करेले बन रहे हैं ना, तो इसलिए सेवी ने बोला मुझे मत खिलाना वो है, हाँ सेवी हाँ चला कड़वे करेले के नाम पे चला गया। तो गाइस मैंने ना इसको फ्राई ऑलमोस्ट कर दिया है, अब ना मैं फ्राई करने के बाद जब थोड़े ये लगेगा मुझे बनने हो गए तो मैं इसमें ना थोड़ा सा प्याज डालूंगी, प्याज मैं ऊपर से डालूंगी क्योंकि करेला उतना कड़वा नहीं लगता और टेस्टी होता है, तो जब ये बनने लगेगा तो जैसे हरा धनिया डालता वैसे मैं ऊपर से उसमें प्याज डालूंगी। अब पहली बार बनाया तो मुझे मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, और जिस चीज़ को लेकर आप कॉन्फिडेंट ना हो उस चीज़ मैं भूल भी नहीं सकती कि अच्छी लगेगी, बट देखते कैसी लगती है, पापा तो अच्छा ही बोलते हैं हमेशा, बट ध्रुव अच्छा ट्रूली रिव्यू देंगे, पर इस बार मैं पापा को भी करवाऊंगी टेस्ट, क्योंकि मैंने पापा को बोला कि पापा प्लीज़ जल्दी आना, आज डिनर घर पर ही होगा तो आप बाहर से करके, मतलब कई बार पापा जब भी अपनी जॉब से आते हैं तो बाहर से ही खा के आ जाते हैं, तो आज मैंने उनको बोला है प्लीज़ मेरे ब्लॉग में तक बने रहे और जानिए कि मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ का क्या रिव्यू रहता है, प्लीज़ 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 अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक हो तो आगे तक भी बने रहे। तो अभी के लिए मैं थोड़ा स्टे ट्यून्ड रहने को बोलूँगी आपको, क्योंकि अभी मैं और खाना बना देती हूँ, क्योंकि इस पर मुझे विश्वास नहीं, आई डोंट नो कैसा बनाऊंगा, और मैंने स्पेशल इसलिए ही बनाया है क्योंकि ध्रुव काफ़ी टाइम से बोला था कि करेले खाने का मन कर रहा है, करेले खाने का मन कर रहा है, ठीक है अभी बस उनका वेट करते हैं, तब तक के लिए मैं और खाना बना लेती हूँ, तो और खाना बनाते बनाते मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा वेट करो, हम पानी नहीं डालते, ये अपने आप ही पानी सोखता है, तो आई डोंट नो कैसा बन रहा होगा, बट अभी बना नहीं है ये, होप दिखने में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी करेला खाया ही नहीं है, एक दो बार खाया था मुझे टेस्ट नहीं लगा, तो मैं आज खुद बना रही हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे करेला बनाऊंगी, पता नहीं कैसा बनेगा तो शाम को ही पता लगेगा। मैंने पहली बार जो चीज़ बनाई उसके लिए परफेक्ट गेस्ट आ गया है रिव्यू देने के लिए, बताओ आप जो सब कुछ खा लेता है, करेला कैसा बना, बहुत ही स्वादिष्ट, ट्रू रिव्यू है, सही में है ना ध्रुव, सलमासी के गुण आ रहे, वाह सलमासी के वीडियो देख रही होगी, सलमासी प्लीज मुझे कॉल करना और बोलना वेरी गुड एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा, पहली बार बनाया है, और रेसिपी कहाँ से ढूंढनी भाई, ढूंढ ली मान गए, चलो थैंक यू।
लास्ट रिव्यू पापा का रहता है। ध्रुव बोरोनी वैसे मैंने बचा के पापा के लिए करेला रखा है स्पेशल रिव्यू के लिए। अच्छा मैं भी सोचू मैं भी कौन सा रिव्यू की बात कर रही है अंजना। अच्छा करेला बचा हुआ है अभी चल तो बचाया तो पापा से रिव्यू ले ले फिर तू देख ले जरा। पापा भी वॉशरूम गए आते हैं खाते हैं फिर मैं रिव्यू लेती पापा से। करेले कैसे बने पापा? बढ़िया बने हैं। बढ़िया कुछ कम ज्यादा? ठीक है बढ़िया। बनाए कैसे? छोटे छोटे काट के? हाँ अच्छी रेसिपी है ना। फर्स्ट टाइम बनाए करेले। मेरे को ना मेरी मम्मा ने वीडियो कॉलिंग पे रेसिपी बताई। नाना बढ़िया बढ़िया है तेरी मम्मी के टैलेंट को वीडियो कॉल पे ही पूरा। पर मेरे को बहुत टाइम लग गया उसको बनाने में। भर के भी बोल रहे थे वो कि भर के बना पर मेरे को इजी मेथड लगा मेरे को। चलो सफल हुआ मेरा करेला। तो गाइस बस आज का मेरा जो करेला सेशन था वो यही खत्म होता है। और बाय गॉड बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा करेला है जो बहुत अच्छा बना वो और पापा को पसंद आया, ध्रुव को पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया और रोनी भैया को भी बहुत पसंद आया। दैट मीन्स मैंने बहुत अच्छा करेला बनाया और ये रेसिपी गाइस बहुत टेस्टी है। आप भी प्लीज़ ट्राई करना। जिसे भी मेरा ब्लॉग कर देखा है तो प्लीज़ वो ट्राई करना। बिल्कुल भी है ना ध्रुव बिल्कुल भी कड़वा नहीं लग रहा था बहुत टेस्टी लग रहा था। बहुत टेस्टी था तो मम्मा ने बहुत अच्छी रेसिपी बताई तो आज का ये ब्लॉग मेरा बन गया और अच्छा बना। और गाइस प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं मैंने आपको दिखाया था आपको दिखने में कैसा लग रहा था खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी था। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नए तड़कते फड़कते ब्लॉग के साथ और नया ब्लॉग कुछ अलग होगा तो प्लीज़ तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर आप मेरे इस चैनल में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहे अंजना ठाकुर की ब्लॉग। स्टे ट्यून्ड टाटा बाय बाय।